स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। अब्दुल बासित साहब और मरगूब शाकिर इजहार सर, आप दोनों आज तशरीफ लाए हैं यहाँ पे फेरी मेडोज में, वेलकम। आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मरगूब सर आप बताएं पहले। जी, दो घंटे की तो पहले जीप का ट्रैक था, पौने दो घंटे कह लें, रायकोट से लेके ऊपर तक खासा टफ था, और जो पाकिस्तान के टफ ट्रैक्स में से एक। पहले तो सैफ मलूक वगैरह के होते थे, लेकिन अब वो काफ़ी इजी हो गए, तो इसको आप टफर ट्रैक कह सकते हैं पाकिस्तान का। तो दो घंटे के बाद फिर वॉक होती है, कुछ चार घंटे की, काफ़ी टफ वॉक है। तो जो लोग तो कुछ ना कुछ स्टेमिना बिल्ड किया उनको तो मसला नहीं होता, लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं करते एक्सरसाइज या वॉक, उनके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। मेरा मशवरा है जो यहाँ आ रहा है वो साथ अपना सामान। हमने अभी आपसे एक्सपीरियंस पूछा है, अभी मशवरे की बात एक्सपीरियंस आप बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है रहा है। ड्यूरिंग सफ़र जब आप आ रहे थे तो आपके क्या फीलिंग थी? फीलिंग्स बहुत, यानी कि मुश्किल पेश आई उसके अंदर। मैं कोच, वो जो जीप के अंदर बहुत टफ ट्रैक है और रास्ता भी बहुत यानी कि हार्ड है। और वॉकिंग ट्रैक के बारे में क्या कहते हैं? वॉकिंग ट्रैक तो है ही बहुत हार्ड। अच्छा अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपके ख्याल में किस किस्म के लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए? मरगूब साहब, जो लोग या तो कोई पेशेंट हैं, ये कोई हार्ट का इशू है, या जिनका स्टेमिना बिल्कुल नहीं है, जो कोई एक्सरसाइज वॉक नहीं करते, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है ना आना, बेहतर है उनके लिए। कुछ ना कुछ वॉक करते हो, रेगुलर कोई एक्सरसाइज करते हो, तो फिर कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। जी, आप क्या रिकमेंड करते हैं? आपका भी एक्सपीरियंस है क्योंकि आप भी एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सबसे पहले आपके कमर का मसला है? कमर का बिल्कुल मसला है। हाँ, तो पहले कम से कम 10 दिन वॉक करें अपने जहाँ भी रह रहा है, और उसके अलावा जो जूता पहन के आए या जोगर जो भी हो वो अच्छे वाले हो, क्योंकि प्रॉपर फिसलन काफ़ी थी यहाँ पे। हाँ, हाँ, और स्लिपरी, इस वजह से काफ़ी मुश्किल हुई मुझे। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये जो जगह है ये इस काबिल है कि इसको विज़िट किया जाए, इतनी मेहनत की जाए, इतना तरद्दुद किया जाए, इतनी मुशक्क़त उठाई जाए और रिस्क लिया जाए? जी यकीनन, मतलब जो लोग तो इसको समझते हैं इन चीज़ों को, इन व्यूज़ को, ये हर बंदा नहीं समझता, वैसे हर एक को समझ नहीं आती कि इसकी क्या वैल्यू है इस नांगा पर्वत उसका, ये इस तरह का व्यू। जो लोग ये शौक रखते हैं उनके लिए तो बहुत आइडियल है, ज़रूर आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। जी बासित साहब बताएं। बहुत अच्छी जगह है, मैं रिकमेंड करता हूँ और दोबारा भी आऊँगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे आप अपनी फैमिलीज को लेके आएंगे? फैमिलीज को भी लेके आऊँगा, फैमिली आएंगी इंशाल्लाह, लेके आऊँगा। चलें, थैंक यू, ओके, वेलकम।